कर्नाटक का सियासी नाटक हफ्ते भर से जारी है। जेडीएस कांग्रेस की सरकार खतरे में है। उधर गोवा में भी कांग्रेस की लुटिया डूब गई है और उसके दो तिहाई विधायक एक झटके में बीजेपी के हो गए। सियासी उठापटक के इस मौसम में यह अंदेशा गहराने लगा है कि गोवा और कर्नाटक के बाद अब कहीं मध्य प्रदेश से कांग्रेस के लिए बुरी खबर तो आने वाली नहीं है। देश में जिन गिने चुने पांच राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है, उनमें से एक मध्य प्रदेश भी है, जहां जुगाड़ के बहुमत से मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार चला रहे हैं। कर्नाटक और गोवा में जो सूरत हाल बने हैं, उससे मध्य प्रदेश में सियासी खलबली मच गई है, जिसे खुद बीजेपी हवा दे रही है। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा ने तो इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी। एक व्हाट्सएप मैसेज के हवाले से उन्होंने कहा कि गोवा के समंदर से उठा मानसून कर्नाटक होते हुए अब मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। मैं तो एक व्हाट्सएप का जिक्र कर रहा था अभी कि गोवा के समुद्री इलाके से कोई मानसून उठा है, कर्नाटक होता हुआ मध्य प्रदेश का मौसम सुहाना होगा, जल्दी मध्य प्रदेश की ओर आ रहा है, ऐसा व्हाट्सएप पे था। अब उसके राजनीतिक अर्थ निकाले या अनर्थ निकाले। एक तरफ मध्य प्रदेश में सियासी मानसून के सुहाना होने की संभावना बीजेपी जता रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने विधायकों को गिनने में लगी हुई है। अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस डिनर डिप्लोमेसी में भी जुटी दिखी। 11 जुलाई को कमलनाथ सरकार में मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी तुलसी सिलावट ने डिनर दी थी। यहां मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने विधायकों की परेड भी हुई। हालांकि कमलनाथ को अपने विधायकों के खिसकने का खतरा जरूर सता रहा है, तभी तो उन्होंने खुद कहा कि एक एक मंत्री को चार चार विधायकों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी का चरित्र ही है सरकार को अस्थिर करना। मैं इसका क्या जवाब, आप बताइए, जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं, जो अपने चरित्र का नंगा प्रदर्शन बार बार, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, वहां कर रहे हैं, बिहार में भी यही इनने किया। कांग्रेस डंके की चोट पर कह रही है कि मध्य प्रदेश में सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि भीतर खाने अपने खेमे में विधायकों को एकजुट रखने की जुगत भी चल रही है। तभी तो बीजेपी पूछ रही है कि अगर सरकार को डर नहीं है तो वो रोज विधायकों की गिनती क्यों करते हैं। जो हमारे साथी हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर स्थिर है और उसको हिलने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। माननीय कमलनाथ जी को सबने अपना नेता मान लिया है और पूर्ण रूप से उनके साथ सहयोग कर रहा है। कांग्रेस को डर किस बात का है, वो स्पष्ट तो करे, स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे। रोज सुबह उठ के विधायक गिनती हो, अरे गिनना चाहिए, सड़कें गड्ढे देखें उसके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों डरी हुई है, इसके लिए विधानसभा के गणित को गौर से समझना पड़ेगा। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है। कांग्रेस के 114 विधायक हैं, यानी बहुमत से दो कम। हालांकि कांग्रेस को चार निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा बीएसपी के दो और समाजवादी पार्टी के एक विधायक कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन भी दे रहे हैं। इस तरह से सरकार के पास आंकड़ा 121 का हो जाता है, जो कि मैजिक नंबर से 7 ज्यादा है। उधर बीजेपी के 109 विधायक चुनाव जीते थे। हालांकि एक विधायक के सांसद बन जाने से अभी विधानसभा में बीजेपी के 108 सदस्य हैं। आंकड़ों से साफ है कि कमलनाथ सरकार निर्दलीय और एसपी बीएसपी विधायकों की बैसाखी पर चल रही है। ऐसे भी बीएसपी की विधायक रामबाई खुलकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करती रही है। कोई नाराजगी आप लोग में जाहिर करी अपनी? नाराजगी तो मेरी एक ही है, मेरे परिवार के साथ। मैं एक विधायक हूं और मुझे न्याय नहीं मिला। मेरे परिवार के ऊपर झूठा केस लगाया गया, 28 लोगों को फंसाया गया, उसी की नाराजगी है। बीएसपी विधायक रामबाई मंत्री नहीं बनाए जाने पर पहले भी कमलनाथ सरकार को घेर चुकी हैं और मौजूदा घटनाक्रम के बाद मंत्री बनने की उनकी आस एक बार फिर जग गई है। रामबाई कहती हैं कि अब तो मंत्री बनाना ही पड़ेगा। पहले आपको मंत्री नहीं बनाया था, इस बात को लेकर आप नाराज थी, तो अभी भी वो नाराज थी? आपने कई बार बोला था कि मुझे मंत्री बनाना ही पड़ेगा। बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी जब उन्हें। सियासत संभावनाओं का खेल है और कब इस खेल के चक्कर में सरकार बन या गिर जाती है कहा नहीं जा सकता। अभी भले ही मैजिक नंबर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के साथ है, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक और गोवा में हलचल मची है, उससे ये खतरा तो बना हुआ है कि न जाने मध्य प्रदेश में क्या हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।